हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग फेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ सुपर सॉफ्ट दानेदार जूसी कलाकंद। यह एक ऐसी मिठाई है जो सभी को बहुत ही पसंद होती है, तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने ये 250 ग्राम पनीर ले लिया है और इसको हम क्रम्बल कर लेंगे हाथ से ही। ये देखिए, इस तरीके से इसको अच्छे से हम तोड़ लेंगे, टुकड़े टुकड़े कर लेंगे और फिर हथेली की सहायता से इसको अच्छे से हम मसल लेंगे इस तरीके से, ये देखिए। और इसको हमें मसल मसल के बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है, जैसे कि छेना होता है। तो ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मसल के सॉफ्ट कर लिया है, अब इसमें कोई भी दाना नहीं रह गया है। तो ये हमारा पनीर का छेना बनकर तैयार हो गया है और अब हम छेना को साइड में रख देंगे, गैस ऑन करेंगे, उसमें कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में मैं डालूँगी 1 लीटर दूध। ये दूध जो है आपको फुल क्रीम लेना है, मेरे यहाँ पर बुफालो मिल्क आता है तो मैंने वही लिया है। तो अब इस दूध को हमें अच्छे से काढ़ लेना है और इसी स्टेज पर हम साथ में ही डाल देंगे इसमें चीनी। चीनी हमें 100 से 125 ग्राम तक डालनी है और अगर आपको ज़्यादा मीठा रखना है तो आप इसमें 150 ग्राम तक भी चीनी डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो 100 से 125 ग्राम तक की चीनी जो है इसमें बेस्ट रहेगी। और अब हमें चीनी और दूध को साथ में ही पका लेना है। इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये जो मिल्क है हमारा रिड्यूज़ होकर आधा ना हो जाए। तो ये देखिए, हमारा मिल्क जो है काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे इलायची का पाउडर, आधा छोटा चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है इसमें और मिक्स कर लेंगे हम। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे अपना ये छेना। छेना जो है हमें जब मिल्क आधा रिड्यूस हो जाए तभी डाल देना है, जिससे कि छेना भी दूध के साथ अच्छे से पक जाए। जब हम दूध का कलाकंद बनाते हैं तो उसमें भी छेना जो है दूध के साथ काफ़ी लंबे समय तक पकता है, जिससे कि जब हम छेना जो है दूध में जल्दी डाल देंगे तो वो फूल कर अच्छे से मुलायम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें छेना जो है दूध में जल्दी डाल देना है, जिससे कि वो अच्छे से पक जाए साथ में दूध के। तो अब इन दोनों को हमें अच्छे से गाढ़ा कर लेना है और इसको गाढ़ा करने में कम से कम 1 लीटर दूध है तो 20 से 25 मिनट तो लग ही जाएंगे आराम से। तो ये देखिए, काफ़ी गाढ़ा हमारा दूध और छेना हो चुका है और अभी हमें इसे थोड़ा और पकाना है। इसे हमें उस स्टेज तक पकाना है जब साइडों में हमें घी दिखने लगे और पानी जो है इसमें रिड्यूस हो जाए, हल्का हल्का सा हमें बस चाशनी जैसा दिखाई पड़े, बहुत ज़्यादा पानी इसमें ना रह जाए, तब तक हमें इसको रिड्यूस करना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे गाढ़ा नहीं करना है कढ़ाई छोड़ने तक, नहीं तो क्या होगा, जो हमारा कलाकंद है वो बहुत हार्ड बनकर तैयार होगा। तो हमें इसको जूसी और सॉफ्ट बनाना है, रसीला बनाना है, इसलिए हमें थोड़ा सा मुलायम रखना है। तो ये देखिए, मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर चलाएंगे, स्पैचुला की सहायता से दबा दबा कर इसको हम चलाएंगे, जिससे कि जो इसमें थोड़े बड़े दाने पड़ गए होंगे तो वो भी मैश हो जाएंगे। और अब इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे जिससे कि थोड़ा ठंडा हो जाए, तब तक हम अपना कंटेनर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक ये मिठाई का बॉक्स ले लिया है और इसमें लगाया है बटर पेपर और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और ब्रश की सहायता से घी को चारों तरफ हम अच्छे से फैला देंगे, जिससे कि जो हमारा कलाकंद है वो ईज़िली बाहर आ जाए। और अब इसमें हम अपना मिक्सचर डाल देंगे, थोड़ा सा ठंडा हो चुका है अभी ये देखिए। और अब इसको स्पैचुला की हेल्प से हम फ्लैट कर देंगे, अच्छे से फैला देंगे। जब ये अच्छे से फ्लैट हो जाए तो इसको हम गार्निश कर देंगे पिस्ता और बादाम की कतरन से। ये देखिए, मैंने चारों तरफ अच्छे से फैला दिए हैं। आप चाहें तो गुलाब की पत्तियों से या केसर से भी इसको गार्निश कर सकते हैं और इसको टैप कर देंगे और फिर स्पैचुला की तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए कतरन जो है। तो ये देखिए, कलाकंद हमारा बनकर तैयार है। अब इसको रूम टेम्परेचर पर आने तक बाहर रखेंगे, उसके बाद इसको हम फ्रिज में भी रख सकते हैं, जो कि अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहो तो 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दो या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हो, उससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए, 4 घंटे बाद मैंने चेक किया, कलाकंद हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। आप चाहो तो इसके लंप्स कट कर लीजिए, मैं इसके स्क्वायर शेप में पीसेस कट कर रही हूँ। तो ये देखिए, कितनी ईजिली हमारे पीसेस कट हो रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी दानेदार बनकर तैयार हुआ है हमारा कलाकंद। ये देखिए, जब मैंने इसको कट किया तो ऊपर से तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गया और नीचे से एकदम रसीला, बिल्कुल रस टपक रहा है। शायद कैमरे में उतने अच्छे से डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, बट रियली ये बहुत ही जूसी बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए, हमारा दूध और पनीर से कलाकंद बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट दानेदार और जूसी हमारा कलाकंद बनकर तैयार हुआ है।
तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल कुकिंग फीस्ट को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। कहीं कहीं पर इस बर्फ़ी को राधा बर्फ़ी भी कहते हैं। राधा बर्फ़ी जो है उसे सेट नहीं करते हैं, वो रबड़ी से थोड़ी गाढ़ी होती है और कलाकंद से थोड़ी सी लिक्विडी होती है।